कचहरी में काम करने वाले एक वकील नोटों से भरा बैग लेकर ट्रेजरी में पैसे जमा करने जा रहे थे, तभी उनके साथ एक अनोखी घटना हो गई। नोटों से भरा बैग एक बंदर ले उड़ा और पेड़ पर चढ़कर नोटों की बारिश करने लगा। हवा में उड़ते हुए नोट कुछ लोगों ने लूट लिए तो कुछ फट गए। यह घटना उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की है। बदायूं जिले के कचहरी परिसर में उस समय सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई जब आसमान से नोट बरसने लगे। दरअसल कचहरी में काम करने वाला वकील सोबरन सिंह अपने बैग में 65,000 रुपए लेकर कोई पेमेंट करने के लिए ट्रेजरी जा रहे थे, तभी एक बंदर आया और उनके हाथ से नोटों का बैग छुड़ा कर ले गया। बंदर कचहरी के शेड पर चढ़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां दो बंदर बैग छीनापट्टी करने लगे। तब दोनों बंदर के नोटों के बैग निकालकर उड़ाने लगे। शेड पर चढ़कर कुछ लोगों ने उड़ते हुए नोटों को जमा किया और बैग के मालिक को वापस किए। इस चक्कर में 8,000 रुपए के नोट फट गए। बैग के मालिक को 17,000 रुपए की वापस मिली है और यह घटना मंगलवार की है। PM News 24 की रिपोर्ट।